हमें नई चीज पता लगेगी, ध्यान से समझना। बोला गया है x प्लस वाई का रेशियो x माइनस वाई से 3:2 है, और हमें ये रेशियो बताना है कि क्या हो सकता है। तो देखो, हमें x प्लस वाई का रेशियो दिया हुआ है x माइनस वाई से कितना, 3:2। तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वन और 3/2 है, ठीक है। तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई का रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम वो ऐसा करते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जो बचपन में हमें सिखाया गया है, तो अगर उससे करते हो तो टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। तो हम यहाँ पे उतना ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे कॉम्पो नेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है, तो मैं उसको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास मान लो कि एक्स रेशियो वाई है, और उसका रेशियो हमें दिया हुआ है, मान लो 3:2 ही दिया, ठीक है। मान लो कि हमें एक्स रेशियो वाई, एक्स अपॉन में वाई जो है वो 3/2 है। अगर मैं यहाँ पे सी एंड डी लगाता हूँ, मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ, तो क्या होता है, तो करना क्या होता है हमें, जो ऊपर वाला होता है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं, और नीचे वाले को भी ऊपर नीचे लिखते हैं, लेकिन ऊपर में हमेशा प्लस और नीचे में हमेशा माइनस। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम इस साइड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हो, तो दूसरे वाले साइड में भी तुम्हें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां पर लगाया है, तो मुझे यहां पर भी लगाना पड़ेगा, वही सेम, तीन तीन दो बारे लिखो ऊपर वाला, दो दो नीचे वाला दो बारे लिखो, और ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई की और एक्स माइनस वाई की, तो कितना आ जाएगा, 5/1। तो ध्यान रखना कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगता है और क्या इसका रोल होता है, कि भाई दोनों साइड अगर लगाना है तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। और हमेशा वाला जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं, और डिनोमिनेटर हमेशा बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से एक और चीज समझ लेना, कि अगर मैं इसी चीज का, मतलब मैं अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 5/1 जो था यहाँ पे, जो मैंने निकाला, इसी का अगर मैं सी एंड डी दोबारा से करूं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा से कर दूं, तो हमारा जो आंसर है, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूं, ऊपर वाला जो है दोबारा लिख रहा हूं और नीचे वाला दो बार, और ऊपर प्लस और नीचे माइनस, सेम यहाँ पे भी 5/5 लिखेंगे, ऊपर प्लस 1 नीचे माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ पर वाई से वाई कट जाएगा, और यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2x, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2y, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो उसे 2 काट दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3:2। मतलब तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमने पहले जब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, और देन उसके बाद मैंने रिपीट कर दिया, तो वापस से हमारा वही क्वेश्चन वाला ही बन गया, है ना, वही हमारा पोर्शन बन गया। तो मैं यही बेसिक चीज जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, और समझना ध्यान से, कि अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, तो जो हमारा ये वाला होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये हमें अपना क्या देता है, एक्स अपॉन वाई ही देता है आंसर, ठीक है। तो इतनी चीजें मैं समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, और इसका क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं वो तो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा अभी, लेकिन वैसे और क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे अपने आप क्वेश्चंस ले लेके, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है अलजेब्रा में,
जो इसके बेसिस पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ दोबारा से जो हम कर रहे थे। और जिस किसी को भी डाउट होगा ना वो मुझे कमेंट कर देना बाद में वीडियो के, कि हाँ भाई ये डाउट है, तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो मेरा यहाँ पर तो मुझे पता है कि क्या आंसर देगा, एक्स अपॉन वाई ही देगा। और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया 5 अपॉन में 1। तो एक्स रेशियो वाई जो आया हमारे पास वो कितना आया, एक्स प्लस फाइव। एक्स रेशियो जो वाई आया वो कितना आया है हमारा, 5 अपॉन 1 आया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हमें स्क्वायर में निकालना है, तो हम क्या करते हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 अपॉन में 1, है ना। अब मैं दोबारा से ध्यान रखना, यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और यहाँ पे पहले वाला जो है 2 बारी है और दूसरे वाला भी 2 बारी है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मैं सी एंड डी दोबारा से लगा रहा हूँ, तो अब की बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25 जमा 1 अपॉन में 25 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 26 अपॉन में 24, मतलब कि 30 अपॉन में 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, 13 अपॉन 12 जो है वो आंसर सही रहेगा, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। ध्यान रखना ए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या कर रखा है, 12:13 कर रखा है। ठीक है, हमारा जबकि क्या आ रहा है, 13 और 12 है।